हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ संदीप सिंह। आज मैं आपके लिए ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन के लिए कुछ डायग्राम क्वेश्चन लाया हूँ, जिसमें बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसमें ये आपका बिल्कुल इन्हीं से आपका रिलेटेड क्वेश्चन बनता है। ऑर्थोग्राफी जितने भी हार्ड क्वेश्चन होते हैं इन्हीं से रिलेटेड होते हैं। सबसे पहले आपको चेक करना है कि ये कि स्लॉट दिया हुआ है, इस स्लॉट जो इसमें स्लॉट कटा हुआ है इस ऑब्जेक्ट में, तो उसको पूरा का पूरा जो ऑब्जेक्ट है इसको फ्रंट से देखने पर इसके फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन कैसे बनेगा। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, ठीक है, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। तो जब आप सबसे पहले आपको करना क्या होता है, सबसे पहले आपको चेक करना पड़ता है फर्स्ट एंगल में फ्रंट के नीचे टॉप बनता है और जो साइड व्यू होता है लेफ्ट हैंड साइड व्यू वो राइट में बनता है और राइट हैंड साइड व्यू लेफ्ट में बनता है। ठीक है, जब आपको इतना पता चल जाएगा तो आपको कोई ये गलती नहीं होगी कि आपका डायग्राम गलत जगह बन जाए। इससे फिर आपको इसके बाद आपको करना क्या है कि जब फ्रंट आपका इधर दिया हुआ है तो आपको देखना है कि आपका साइड व्यू कौन सा दिया दिख रहा है क्लियर। तो आपको यहाँ पर जब आप इधर की तरफ मुंह कर कर बैठोगे तो राइट हैंड आपका इधर पड़ेगा, तो ये आपका राइट हैंड साइड व्यू आपको क्लियर दिख रहा है और ये हमारा कौन सा हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड व्यू। तो हम प्रोजेक्शन बनाना चालू करेंगे, हम फ्री हैंड बनाने की कोशिश करेंगे क्योंकि फ्री हैंड से आप डायमेंशन लेकर भी फिर बना सकते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे इस ऑब्जेक्ट का, तो यहाँ से देखने पर आपको कौन कौन सा फेस दिखेगा। सबसे पहले तो ये वाला फेस दिखेगा आपको, एक ये वाला फेस दिखेगा और एक ये वाला। याद रखना जिस डायरेक्शन में तीर का निशान हो, जिस डायरेक्शन में आपका फ्रंट दिया हुआ है उस डायरेक्शन में जो क्रॉस फेस करेगा उसको क्रॉस में होगा, ऐसे में वो ही आपको फेस दिखेगा। जैसे कि ये वाला फेस आपको नहीं दिखेगा, ऐसे ही फेस भी उसके बिल्कुल अपोजिट होगा तो वो भी फेस आपको नहीं दिखेगा। तो आप बनाना चालू करेंगे, पहले ये वाला ब्लॉक बनेगा आपका, ये वाला फेस बन गया। अब ये वाला फेस बिल्कुल जस्ट इसी की हाइट पर बिल्कुल बस आगे दिया हुआ है, तो ये आपका इस तरीके से, और ये फिर इसके बाद फिर जस्ट वैसा ही फेस दोबारा आ गया आगे, तो ये फेस आपका फ्रंट, तो इसको बोलते हैं हम फ्रंट व्यू। ठीक है, ये फ्रंट बन गया हमारा। इसके बाद हमें टॉप व्यू बनाना है। टॉप याद रखने का, जिधर से तीर का निशान दिया, जिधर फ्रंट दिया है उसके ऊपर से ही हमें टॉप देखना होता है। तो उसके लिए हमें पहले प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी इस तरीके से। प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ करने के बाद, क्योंकि जितनी लंबाई आपकी फ्रंट की होती है उतनी चौड़ाई में फ्रंट टॉप से भी उतना ही लंबा दिखता है वो, तो आपको करना क्या है, बस ये एजिस पकड़नी है आपको, ये एजिस पकड़नी, ये वाली कहाँ की तरफ एजिस, ऊपर की तरफ है थोड़ा, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, फिर ये वाली एजिस, फिर ये वाली एजिस, फिर ये थोड़ा सा अंदर गया है, फिर ये आगे गया है, फिर आगे, और फिर इस तरीके से ये क्लोज हो गया। तो टॉप से देखने पर आपको केवल यही फेस दिखेगा। इसके बाद हम बनाते हैं राइट हैंड साइड व्यू। राइट हैंड साइड व्यू हमेशा काम बनता है, राइट हैंड साइड व्यू हमारा काम बनेगा फ्रंट के लेफ्ट की तरफ बनेगा, मतलब ये फ्रंट है फ्रंट के इधर बनेगा। तो इधर से देखने पर आपको, जब आप इधर देखोगे तो आपका ये वाला व्यू फ्रंट साइड व्यू दिखेगा, तो ये काम बनेगा। फिर पहले इसके प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ कर देते हैं, तो ये वाला व्यू आपको दिखेगा जो मैंने ए पार्ट दिया हुआ है। कैसे बनेगा, एक ये लाइन, क्योंकि जितनी हाइट आपको फ्रंट से दिखी है उतनी ही हाइट साइड से भी होगी, हाइट चेंज नहीं हो सकती, और फिर ये ऊपर और ये क्लोज। तो इस तरीके से आप यहाँ से देखने पर आपका क्या हो गया, फ्रंट कंप्लीट हो। इसके बाद आपको करना क्या है, आपको जो नहीं जो एजिस हमें नहीं दिख रही है उसको हमें हिडन लाइन से दिखाना पड़ता है। अभी देखिए खांचा कितना अंदर खटा हुआ है, एक खांचा कुछ जितना भी दिया होगा मतलब 10 दिया, तो आपको क्या करना है, यहाँ से 10 पर डॉटेड लाइन चला देंगे, तो ये आपका राइट हैंड साइड व्यू हो गया। तो ये आपका फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में इनके तीन प्रोजेक्शन बना देंगे। अगर साइड व्यू लेफ्ट हैंड साइड व्यू बनाना हो तो लेफ्ट हैंड साइड व्यू भी आसान होगा, बिल्कुल जस्ट ऐसे ही बनेगा। परंतु जब आप इधर से देखोगे तो ये खांचा किधर की तरफ होगा, आपको राइट की तरफ दिख रहा, राइट की तरफ जा रहा है, तो आपका ये जो डॉटेड लाइन होगी आपकी इधर आ जाएगी बस। तो ये आपका बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। अभी हमारा कोई सिलेंडर दिया है वो भी खोखला है, तो आपको पहले फ्रंट दिया हुआ है इधर की तरफ से, तो आपका ये लेफ्ट हैंड साइड व्यू इधर हो गया,
तो फर्स्ट एंगल की तरह से बनाएंगे पहले, की तरह से देखने पर हमें क्या दिखेगा, याद रखने का कि जब आप किसी फ्रंट सिलेंडर को देखोगे आप, तो फ्रंट से देखने पर आपको केवल एक रेक्टेंगल दिखेगा या स्क्वायर भी दिख सकता है, वो हाइट वो जब डिपेंड करेगा जब डायमीटर उसके लेंथ के हाइट के सॉरी हाइट के बराबर होगा तब वो स्क्वायर दिखेगा। यदि इनमें थोड़ा सा भी डिफरेंस है तो ये एक रेक्टेंगल की तरह दिखेगा। फिर ये तो आपका ये एजिस हो गया, परंतु अंदर भी एक खोखला होल किया हुआ है, उसका क्या होगा, उसके भी डॉटेड हो रहा होगा, क्योंकि हमें वो दिखाई नहीं देगा। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अंदर डॉटेड करना पड़ेगा। डॉटेड करने का क्या तरीका है, जितने व्यास का होगा उतना ही डॉटेड होगा, ठीक है। इसका भी एक प्रॉपर तरीका होता है कि पहले इसमें सेंटर लाइन खींची जाएगी, इससे 20 लिया है तो पहले 10 इधर डॉटेड करना पड़ेगा, सेंटर से 10 इधर डॉटेड करना पड़ेगा, 10 10 20 हो जाएगा। ऐसे ही ये बाहर का डायमीटर खींचने के लिए 20 इधर 20 इधर, तब जाकर ये लाइन और ये क्लोज हो जाता है। अब टॉप से देखने पर क्या होगा, प्रोजेक्शन लाइन आपने डालनी है, यहाँ पे एक सेंटर मारना है, सेंटर लाइन को आगे बढ़ाओगे और इसके बाद यहाँ से सेंटर मान के जितने का बाहर का व्यास है उतने का एक सर्कल खींच देंगे, ठीक है। ये हमारा टॉप व्यू हो गया। इसके बाद अंदर भी एक खोखला खोलें तो वो भी आपका ऊपर से देखने पर दिखेगा क्लियर। इसके बाद साइड व्यू, याद रखना सिलेंडर का जो साइड व्यू होता है जैसे फ्रंट होता है वैसे ही साइड व्यू बनता है, चाहे कोई लेफ्ट हैंड हो राइट हैंड हो। तो लेफ्ट वाला दिख रहा है तो हम इसका बनाएंगे राइट में, परंतु हाइट सेम ही रहेगी याद रखना है, परंतु जो व्यू बनेगा वो बिल्कुल सेम बनेगा जैसे फ्रंट बना हुआ है, क्योंकि जो सिलेंडर होता है वो बिल्कुल चारों तरफ से सेम होता है। फ्रंट से देखो, बैक से देखो, साइड से देखो, राइट से लेफ्ट साइड से, सब सेम दिखेगा। तो ये आपका साइड व्यू, इनके दोनों के दोनों सेम होंगे, क्योंकि ये डॉटेड लाइन किस लिए आई, क्योंकि इसके अंदर एक होल कटा हुआ है। यदि होल ना होता तो इसका जो फ्रंट होता केवल ऐसे ही बनता इस तरीके से, ठीक है। अब ये हमारे पास आया दूसरे प्रकार का, इसमें क्या है हमारा एक टेपर भाग दिया हुआ, ये टेपर भाग है, ठीक है। इसको यहाँ से देखने पर आप कौन सा फेस दिखेगा आपको, पहले ये वाला फेस दिखेगा। फर्स्ट एंगल में बना रहे हो तो पहले इसे कॉपी कर दो, बस ये फेस आया। आपको एजिस पकड़नी याद रखना, एजिस बना बना कर आपका फेस बन जाता है, फिर ये और फिर लास्ट में इसको ये वाली पकड़, तो ये आपका फ्रंट बन चुका है। फ्रंट के लिए मैं एफ लिख रहा हूँ। अब आपको टॉप देखना है, टॉप देखने के लिए आपको बस नॉर्मली आपको ऐसे नहीं दिखेगा, नॉर्मल आपके टॉप इस तरीके से दिख रहा है आपको, टॉप ऐसे नहीं दिखेगा आपको। जब ऊपर से देखोगे जितनी लंबाई ये फ्रंट से दिख रहा है उतना ही आपका टॉप से दिखेगा। तो आपको बस करना क्या है, ये वाली एजेस आपकी कैसे आएंगी, सीधी आएंगी, फिर ये वाली एजेस इस तरीके से आगे, और जैसी ये खींची थी वैसे इधर की तरफ से ये एजेस आ जाएगी, तो ये आपका क्लोज हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया, टॉप। याद रखना तो टेपर भाग होता है वो हमेशा दो जगह से जरूर दिखता है, एक टेपर भाग और होता है जिसमें तीन जगह से दिख सकता है। तो आपको फिर ये आपको इधर से देखना है, तो आप ये फ्रंट हो गया, तो ये लेफ्ट हैंड साइड भी हो गया और ये राइट हैंड साइड भी हो गया। तो ये आपका प्रोजेक्शन लाइन ऐसे ड्रॉ कर देते हैं, लेफ्ट हैंड साइड भी होता है राइट भी बनेगा, तो राइट वाला पहले राइट वाला बना लेते हैं। राइट जब आप लेफ्ट वाला लेफ्ट हैंड साइड भी है तो राइट में बनाएंगे तो कैसे दिखेगा, ये वाला फेस खड़ा हो जाएगा जितनी हाइट इसकी है, केवल ये ही फेस दिखेगा जो टेपर वाला भाग, ये टेपर दिख रहा है, टॉप से भी टेपर दिख रहा है और फ्रंट साइड से भी टेपर दिख रहा है। परंतु जब आप लेफ्ट राइट हैंड साइड से देखोगे, राइट हैंड साइड से देखोगे तो आपको टेपर वाला भाग भले ही ना दिखे परंतु दिखेगा वर्टिकल भाग, वर्टिकल फेस दिखेगा जो होगा इस प्रकार से। तो ये हमारा क्या बन गया, हमारा राइट हैंड साइड भी और ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड। आपको डायमेंशन में लेके भी बना सकते हैं, यदि आपको डायमेंशन दी हो, आपको लाइन खींचनी है मान लो 50 की दी है तो आपको 50 खींचनी पड़ेगी, 40 दी है तो ये 40, तो इस प्रकार से आप नॉर्मली बना सकते हैं। इसके बाद आपका क्या है, ये एक ऑब्जेक्ट दिया है जिसके अंदर होल क्या हुआ है स्क्वायर, तो आपको वही देखना है। आपको फ्रंट यहाँ से दिया है तो आपको नॉर्मली ये वाला फेस दिख रहा है तो आपको फेस कॉपी हो जाएगा बस, जैसे आपने ऊपर बनाया, ठीक है। परंतु यहाँ से देखने पर ये होल नहीं दिख रहा है, तो होल के लिए जितना भी आपका होल दिया होगा उसमें डॉटेड कर देना है जितना होल की चौड़ाई होगी, ठीक है। टॉप से देखने पर क्या दिखेगा, टॉप से देखने पर केवल ये वाला भाग दिखेगा और ये वाली एज दिखेगी, तो ये बिल्कुल ठीक इसके नीचे आ जाएगा और ये इस प्रकार से जितना आपका ये बिल्कुल टॉप से।
आपको इमेजिनेशन पावर इसमें सबसे ज़्यादा होनी चाहिए कि ऊपर से देखने पर कैसे दिख रहा है, साइड से देखने पर कैसे दिख रहा है। तो इस प्रकार से आपका टॉप दिखेगा। खुद इमेज करके देखिए, जब आप ऊपर से देखोगे तो क्या यही भाग नहीं दिखेगा, क्योंकि अंदर तो खोखला है। तो ये वाला भाग आपको इस तरीके से दिखेगा। आप देखना क्या है, साइड व्यू, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड व्यू है। लेफ्ट हैंड साइड व्यू कहाँ बनेगा, फर्स्ट एंगल में राइट की तरफ। तो आपको करना क्या है, ये इस तरीके से दिखेगा, ये वाला फेस दिखेगा, तो ये फेस आपका इस तरीके से कॉपी हो जाएगा। और फिर वही बात कि यहाँ से देखने पर आपका ये होल नहीं दिखेगा। तो जितना ये चौड़ा होगा होल, जितनी इस होल की चौड़ाई होगी, उतना आपका यहाँ पर रोटेट आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से लेफ्ट दिख रहा है तो राइट वाला भी आपका इस तरीके से ही जाएगा। दोनों ही सेम दिखेंगे ये, परंतु ये लेफ्ट हैंड साइड व्यू है और ये राइट हैंड साइड व्यू है, और ये टॉप है और ये फ्रंट है। ये जितने भी आज मैंने क्वेश्चन कराए हैं सारे बेसिक्स हैं, जो इन्हीं से मिलके आपका क्या बनता है, क्वेश्चन बनते हैं। क्या करेगा, इसके ऊपर ये एक अटैच कर देगा, उससे आपको व्यू बनाना पड़ेगा। या एक इस आकृति के ऊपर ऐसा कुछ चीज़ें सिलेंडर अटैच कर देगा, तो ऐसे ही क्वेश्चनों से मिलके सारे के सारे क्वेश्चन बनते हैं। कुछ और बेसिक्स मैं लाऊंगा, तो इसलिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आने वाले पेपर में, जो आईटीआई का पेपर होने वाला है अभी मई के बाद, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आपका क्या 45 मार्क इसी में से आना है। तो 35 है, दो क्वेश्चन या तो 45 का बनेगा या तो एक 45 का बनेगा या 35 का बनेगा, पर इतना जरूर बनेगा कि एक क्वेश्चन 45 या 35 का जरूर बनेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही हमारे डिप्लोमा और बीटेक में भी ये जरूर आता है, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।